हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे होनर नोट 10 का। हुआई के सब ब्रांड होनर ने आज नोट 10 को लॉन्च कर दिया है। और ये जो स्मार्टफोन है वो चीन में लॉन्च किया गया है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ये 2016 के नोट 8 का अपग्रेड वर्जन है। चीन में होनर का नया फेवरेट 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 60GB के रैम के साथ दोस्तों इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसकी कीमत लगभग 28,100 रुपए है। अब 6GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज के साथ मिड वेरिएंट आपको मिल जाता है, जिसकी प्राइस 32,100 रुपए है। अब 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ अगर उस हैंडसेट की अगर प्राइस करें तो हाई एंड वेरिएंट ये है दोस्तों, इसकी प्राइस होगी जो 36,100 रुपए होगी। अब ये जो स्मार्टफोन है वो 1 अगस्त को चीन के किसी भी सेल्स में आपको मिल जाएंगे। अब अगर बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो हम आपको बताते हैं कि डिवाइस में आपको 21:60x1080p स्क्रीन का रिजोल्यूशन मिल जाता है, 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाता है, 6.9 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले के साथ। इसके अलावा इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टाकोर का हिल सिलिकॉन क्रीन आपको 970SoC दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों GPU की अगर बात की जाए तो माली का G72 GPU आपको मिल जाता है और i7 प्रोसेसर इसमें दिया गया है। और डिवाइस को ओवरहीटिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसमें द 9 लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब फोटोग्राफी के लिहाज से अगर बात की जाए तो 24 मेगापिक्सल का और 60 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा का सेटअप भी इसमें मिलता है। और सेल्फी कैमरे का अगर बात करें दोस्तों तो 30 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फेस अनलॉक के साथ साथ दोस्तों इसमें डिवाइस में आपको डिवाइस को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें दिया गया है। और डिवाइस में कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि 4G ब्लूटूथ वाईफाई ये सारे के सारे जितने USB-C है दोस्तों वो आपको मिल जाएंगे। अब इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड का 8.1 ओरियो सिस्टम का अपग्रेड वर्जन मिलेगा, जो कि IEM की अगर बात करें दोस्तों तो इसका नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एंड्रॉइड का 8.1 इसको सपोर्ट करता है। EMUI का 8.2 के साथ दोस्तों इसमें ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर बात करें तो इसमें AI फीचर्स भी आपको मिल जाता है। और इस डिवाइस की अगर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है, जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग है। आई होप कि दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।